तो हेलो गाइस, सर भाइयों को राम राम। देख सकते हैं आज हम ये बेसिन मिक्सर लगाएंगे इसके ऊपर बाथरूम में। हिंदवेयर का है तो वो हम चालू करते हैं बेसिन मिक्सर लगाना। ये हमारा पूरा बाथरूम है और इसके ऊपर हमें बेसिन मिक्सर लगाना है, तो अब चालू करते हैं। तो पहले हम इसका ऊपर का ढक्कन खोल के इसके ऊपर नोजल के ऊपर बढ़िया सा देख सकते हैं ग्रीस लगा लेंगे, क्योंकि ग्रीस लगाने से क्या इजीली मूव हो जाएगा ये अंदर, प्रेस हो जाएगा। नहीं तो रबर रिंग कटने की भी दिक्कत आती है इसमें, अगर बिना ग्रीस के लगाते हैं तो रिंग कटने की दिक्कत आती है, तभी ग्रीस लगा के लगावें। अब हम देख सकते हैं इसकी जो नीडल आती है जिसमें स्पॉट टाइट होता है हमारा, उसको मेजरमेंट के हिसाब से हम काट लेंगे टाइल्स के बराबर में। देख सकते हैं हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो अब हम इसको काट लेंगे बराबर से। तो अब हम इसको काटते हैं। देख सकते हैं हमारा कट चुका है। अब हम इसमें बढ़िया सा ट्रेलिस को रखा के देख लेंगे कि ये सेट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल बैठ जाएगा, बिल्कुल टाइट एकदम। पहले इसको हम कच्चा लगा के देख लेंगे। तो इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी हमें, क्योंकि इसका अंदर का होल दिख नहीं रहा था हमको, और निप्पल थोड़ी सी मशक्कत के बाद, थोड़ा समय के बाद हमारा ये काम देख सकते सीधी हैं हो बनाने चुका का है। अब नहीं, हमारा ये टेढ़ा कस घुसने नहीं जाएगा, तो ये ऐसे कस से गया हमारा, तो हमारा बिल्कुल सही एकदम कट चुका था ये निप्पल। तो अब हम इसके ऊपर देख सकते हैं खोल के इसको वापस टेफ्लॉन टेप लगाएंगे। टेफ्लॉन टेप लगाने के बाद इसको देख सकते हैं हम एलनकी, इसके अंदर एलनकी आती है, एलनकी से बढ़िया सा टाइट कर लेंगे। और टाइट करने के बाद इसको देख लें, ज़्यादा टाइट भी नहीं करें, क्योंकि ज़्यादा टाइट करने से प्लेट पिचक जाएगी, इसलिए आराम से हल्के हाथ से ही कसें। तो हमारा ये देख सकते कट चुका है। अब हम इसका स्पॉट लगाएंगे, जैसे मिक्सर का स्पॉट देख सकते हैं, ये स्पॉट है। पहले हम इसका एलन केयर नट खोल लेंगे। नट खोलने के लिए नीचे एक एलन की इसके साथ आई थी, तो उससे हम लगा के इसको टाइट कर लेंगे बढ़िया सा। तो थोड़ा और टाइट करना पड़ेगा, अंदर करना पड़ेगा। तो इधर से ट्रेलिंग की हमारी नीचे पड़ी हुई है, नीचे जल में पड़ी हुई है। हम इसको बढ़िया से टाइट कर लेंगे एलेंकी से। हमारा देख स्पॉट लगा लिया है हमने। अब इसका इस हैंडल भी लगा लेंगे साथ साथ, तो हैंडल को भी प्रेस करके और एलंकी से टाइट कर लेंगे। इसमें भी नीचे एलंकी आती है, नट आता है, उसको हम एलंकी से टाइट कर लेंगे। तो हमारा देख सकते हैं ये स्पॉट पूरा कस चुका है इसका हैंडल। तो अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है पूरा। तो देख सकते हैं हमारा पूरे बाथरूम की फिटिंग है, हम सब चीज़ बताएंगे इसमें कैसे क्या हमने ड्राइवेटर में रिमोट वगैरह लगाया। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।